हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है और गंभीर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने दांत काज खुजली से मात्र 2 दिन में निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ दोस्तों बाजू के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, दांत काज खुजली आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है, जिसका मेन कारण होता है दोस्तों जब हमारी स्किन पे पसीना जम जाता है और दोस्तों हम उसे खुजलाने लगते हैं तो दोस्तों हमारे दांत काज खुजली की समस्या बढ़ने लगती है। और दोस्तों, यदि अगर हम आधे सूखे कपड़े पहनते हैं तो दोस्तों उसके कारण भी दोस्तों हमारे दांत काज खुजली की समस्या बढ़ने लगती है। और दोस्तों, कुछ लोगों के दांत काज खुजली की समस्या कुछ सालों से है और दोस्तों उनके दांत काज खुजली कुछ टाइम तक के लिए दूर हो जाते हैं क्रीम से, पर दोस्तों उनके दांत काज खुजली समस्या कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से स्टार्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव और असरदार रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को आपको कैसे तैयार करना है। दोस्तों, पहले तो आपको ले लेना है कपूर। कपूर जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने 4 कपूर पहले ही ऑलरेडी क्रश कर लिए हैं। क्रश कर लेने के बाद दोस्तों ये आपको पाउडर कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं। अब दोस्तों आपको इसके अंदर दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है दोस्तों ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये दोस्तों हमारी स्किन को रिपेयर करता है और हमारी स्किन को गोरा बनाता है। तो दोस्तों, आधी चम्मच के बराबर आपको ले लेना है ग्लिसरीन। देखिए दोस्तों, मैंने ये ले लिया है। अब दोस्तों आपको इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। दोस्तों, ग्लिसरीन और कपूर के मिलाने से दोस्तों आपके दांत काज खुजली बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होने लगेंगे और दोस्तों आपकी स्किन पहले जैसी नज़र आने लगेगी। अब दोस्तों आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है दोस्तों नारियल का तेल। ये तेल में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो कि दोस्तों आपकी स्किन को रिपेयर करता है और दोस्तों आपके दांत काज खुजली से आराम दिलाता है। तो दोस्तों आपको 1 चम्मच के बराबर नारियल का तेल ले लेना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ले लेना है। अब दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, मिक्स होने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ उसका कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को आपको कब और कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, पहले जहाँ पे भी आपके दांत काज खुजली हैं दोस्तों उस एरिया को आपको गुनगुने पानी से धो लेना है। धोने के बाद दोस्तों आपको इस नुस्खे को वहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। लगा लेने के बाद दोस्तों आपको इसे पूरी रात यूं ही लगे छोड़ देना है। स्टार्टिंग में जब आप दोस्तों अपनी स्किन पे इसे लगाएंगे तो दोस्तों आपको थोड़ी सी जलन महसूस होने लगेगी, पर ये दोस्तों आपके दांत काज खुजली पे एकदम असरदार नुस्खा रहेगा। पूरी रात यूं ही लगे छोड़ देने के बाद दोस्तों सुबह उठते ही आपको ठंडे पानी से धो लेना है। ठंडे पानी से धो लेने के साथ ही दोस्तों आपको लगने लगेगा दोस्तों आपके दांत काज खुजली दूर होने लगे हैं और दोस्तों आपकी स्किन पहले जैसी दिखाई देने लगी है। यदि दोस्तों अगर आप इसके अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो दोस्तों इस नुस्खे को आप 1 हफ्ते तक यूं ही यूज़ करते रहिए। दोस्तों आप देखेंगे आप अपने दांत काज खुजली से परमानेंटली मुक्त हो चुके हैं और दोस्तों आपकी स्किन पहले जैसी दिखाई देने लगी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपका कोई फ्रेंड्स इस परेशानी से जूझ रहा हो तो दोस्तों उन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।